हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? सर आज 1 अक्टूबर हो चुका है, जस्ट कुछ दिन बाकी है, मतलब कहीं ना कहीं अब एग्ज़ाम से पहले का आखिरी महीना चल रहा है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्पीड कर लो क्योंकि अब ये महीना कब बीतता है आपको भी पता नहीं चलेगा। सर जैसा कि जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं स्पेशल बताना चाहूँगा, इस टाइम पे अपने प्रैक्टिकल्स पोर्शन जो है ना उसको तुरंत फिनिश कर लो। बिकॉज देखो थ्योरेटिकल में क्या होता है, रिविजन वीडियोज या आप समरी बुक के हेल्प से आप उसको 2 से 3 दिन में क्विक रिवाइज कर सकते हो, एंड मल्टीपल रिविजन ही वहाँ पे आपको ग्रुप क्लियर करवाएगा लॉ एंड ऑडिट के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं सर सबसे पहले SFM एंड FR, ये तो प्योर आप कंप्लीट करो जल्दी से। नेक्स्ट 5 डेज 6 डेज में अपना FR का एक प्लान बना के रखो, बिकॉज उसके बाद आपको FR डायरेक्ट 25-26 को उठाना है। एंड जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं अपना SCMP को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि हो सकता है कि मतलब एक एवरेज अटैम्प्ट के बाद SCMP थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता है। एंड मैंने एक SCMP का इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाया था, प्लीज़ जाके उसको डाउनलोड कर लेना, फ्री सेक्शन में रखा हुआ है स्टडी मटेरियल में मेरे एप्लीकेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन वो एरियाज लिस्ट है। तो आपको वहाँ से कहीं ना कहीं एग्जाम में 40-50 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड बोल रहा हूँ, हर एग्जाम में मिल जाता है वहाँ से। एंड LDR तो ऑलरेडी मैंने बना रखा था। सर LDR होता क्या है, LDR इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो कि लास्ट डे आपको क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। सर ये वीडियो किस रिगार्डिंग है, ये वीडियो जैसे मैंने मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आए थे सर, एक जैसे लास्ट टाइम मैं 2 अटैम्प्ट से कर रहा हूँ, एक बार मैंने टेलीग्राम पे भी किया था जो कि आई थिंक November 22 का अटैम्प्ट था। मैंने टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स एंड ऑल एवरी टाइम अवेलेबल था वहाँ पे, ठीक है, थ्रू वॉइस क्लिप आफ्टर पेपर डिस्कशन एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद मैंने May 23 के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था जिसमें अराउंड 200 स्टूडेंट्स थे, हमने दिन रात बैठ के पढ़ाई की, अच्छे से प्रिपरेशन की। May 23 वॉज एक टफेस्ट अटैम्प्ट था ICAI का, मतलब कहीं ना कहीं SFM एंड ऑडिट थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप ज़्यादा हार्ड कह सकते हो उस पेपर को। ठीक है, FR अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं FR टफ था, बट बहुत नए एरियाज पेपर था एंड लॉ ओके था। तो सर हमने अपनी मेहनत की, सब कुछ अच्छे तरीके से की। उसके बाद मेरा मेंटरशिप बैच स्टार्ट हुआ था जहाँ पे हमने अपनी सारी तैयारी की, डेली टारगेट्स चल रहे थे वहाँ पे, ठीक है, छोटे मोटे मोटिवेशन डाउट मोटिवेशन डोज चल रहे थे। ठीक है, पर्सनली बिलीव कि मेरे हिसाब से ना मोटिवेशन अगर CA में ना 10% है, 90% को हार्डवर्क करना पड़ेगा, मोटिवेशन से ही नहीं काम चलने वाला है, मोटिवेशन जरूरी है बट पढ़ाई के साथ। तो सर लास्ट 20-25 डेज का मैं CA फाइनल मेंटरशिप बैच ला रहा हूँ, जो वही बैच है जो जिस स्टूडेंट ने पिछले बार ज्वाइन किया था, ठीक है, वो आई थिंक 200-250 स्टूडेंट, 200-250 स्टूडेंट्स थे। एंड मेरे लिए वो थोड़ा सा ईजिली था कि ठीक है मैं उनको पर्सनल गाइड कर पा रहा था, मैं कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेट कर पा रहा था थ्रू व्हाट्सअप ग्रुप या थ्रू पर्सनल चैट के थ्रू। ठीक है, कॉल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि 250-300 स्टूडेंट्स अगर सेम टाइम पे कॉल हो तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का है, बट हाँ अगर व्हाट्सअप पे मैसेज आया तो या मैं वॉइस क्लिप के थ्रू या चैट के थ्रू उसको क्लियर कर दूंगा। तो सर अगेन वही फिर से लास्ट 20-25 डेज मेंटरशिप बैच, ठीक है, टारगेट्स रहेंगे, प्लानर रहेगा 5 डेज का, क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सर 20-25 डेज 22nd of October से स्टार्ट होने वाला है, जो कि व्हाट्सअप ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुका है अभी। ठीक है सर, प्लानर मिल जाएगा आपको, 1.5 डेज का पर्सनल प्लानर बनाऊंगा, जैसे भी मेंटर स्टूडेंट्स को जैसे उनका टेस्ट चल रहा है फुल टेस्ट, उनको मैं 7-8 डेज का प्लानर है, तो कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, किस वे में कंप्लीट करना है, किस चैप्टर्स को पिक करना है, या चलिए आप अपने चैप्टर्स उठा रहे हो तो प्लानर में रहेगा क्या क्या। सर प्लानर रहेगा डे वाइज कि अगर आपका 1.5 दिन है तो फर्स्ट डे में कितने आवर्स देना है आपको इस चैप्टर पे कि हाँ वो टेस्टेड है, ऑलरेडी 2-3 बैच से मैंने उसको टेस्टेड किया कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए तब ग्रिप आ जाएगा। किस वे में जाना है, LDR के वे में जाना है। सर LDR क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट, या आपके किसी ऑथर ने दिया होगा या मेरा क्वेश्चन बैंक वेबसाइट पे या एप्लीकेशन में रखा हुआ है जो कि ऑलरेडी पिछले बार 189 मार्क्स का था ग्रुप 1 से। ठीक है, तो किस वे में जाना है मैं वहाँ पर लिखूंगा कि इस चैप्टर में LDR इस चैप्टर में इतना टाइम लगना है। ठीक है, जैसे FR का पेपर है तो उसमें 5 डेज का मैं प्लानर बनाऊंगा कि 5 दिन में आपको इस तरीके से खत्म करना है एंड किस वे में जाना है। 1.5 डेज के बाद SFM लॉ एंड ऑडिट होगा, 1.5 डेज के हिसाब से प्लानर बनेगा। उसके बगल में आर्स लिखा रहेगा कि इसको कितने आर्स में कंप्लीट करना है, किस वे में कंप्लीट करना है, ABC के हिसाब से लिखा रहेगा कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी फॉर November 23। तो ये आपको प्लानर मिलेगा। ठीक है, उसी ग्रुप में सब स्टूडेंट्स ऐड होंगे एंड वो ग्रुप रन मैं ही करूंगा, उस ग्रुप का एडमिन मैं ही रहूंगा, तो जो भी डाउट्स होंगे मैं एडमिन रहूंगा, आप मेरे पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग विद द व्हाट्सअप सपोर्ट फॉर स्टडी डाउट। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस, चैट और वॉइस क्लिप, अगर कोई बड़ा डाउट है तो उसको मैं चैट से अच्छा वॉइस क्लिप थ्रू समझा दूंगा, तो एक वॉइस क्लिप के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 सिस्टम से मैं लॉग इन रहूंगा तो उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर, ग्रुप बैच रहेगा, ऑलरेडी 250+ मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक मतलब कह सकते हो कि जैसे लाइब्रेरी एंड और क्या होता है वहाँ पे आप 50 स्टूडेंट्स को पढ़ते देखते हो तो ऑलरेडी एक पुश मिलता है, तो एक व्हाट्सअप ग्रुप मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं काफ़ी मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो एक अच्छा पुश मिल सकता है आपको एंड उनको भी एक अच्छा पुश मिलेगा कि हाँ एक अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम एक साथ पढ़ रहे हैं,
तो काफ़ी अच्छा रहेगा सर। लास्ट 1.5 डेज में पिछले बार मैं रात रात भर इंपॉर्टेंट एरियाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वॉइस पे दे रहा था, ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा, बट हाँ एटलीस्ट 3 या 4 आवर्स के बीच में एक छोटा छोटा अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है या मैं एक टाइम टेबल रखता हूँ कि इस बीच से इस बीच में जितने इंपॉर्टेंट लगते हैं एटलीस्ट इतना तो देख के चले जाना। मतलब ये LDR का भी LDR हो जाता है, कभी कभी होता है कि ठीक है 1.5 दिन में चीज़ें नहीं कवर होती हैं, किसी का फेमस छूट जाता है, किसी का IBC छूट जाता है, किसी का फॉरेक्स छूट जाता है, तो मैं 3-4 क्वेश्चन रखूँ। पिछले बार तो फॉरेक्स में 2-3 चैप्टर डाला था, वहाँ से एक एक क्वेश्चन आ गया, ऑडिटर में लाइबिलिटीज में से एक क्वेश्चन डाला वही वाला आ गया, तो कहीं ना कहीं वो IC का थोड़ा एनालाइज करके निकाल देता हूँ कि हाँ ठीक है एटलीस्ट नहीं कर पाए तो इस चैप्टर से ये एरियाज है, इसको देखते चलना थोड़ा सा, ठीक है। सो ऑल इंपॉर्टेंट PDF डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं बनाऊंगा रिगार्डिंग विद द जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट हो गया, आने वाले टाइम में मैं भी DT का एनालाइज करूंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन के साथ, SCMP तो आपको एक ही प्लेस पे मिल जाएगा WhatsApp ग्रुप पे, तो आप WhatsApp ग्रुप पे भी अभी आप आ सकते हो। सब वर्चुअल लाइब्रेरी 24/7 ऑन रहेगा जिसमें मैं भी वहाँ पे एक्टिव रहूँगा, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं सारे मेंटरशिप स्टूडेंट्स भी एक्टिव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप वर्चुअल लाइब्रेरी के थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज WhatsApp ग्रुप पे तो एक्टिव हम रहेंगे ही रहेंगे। आप पर्सनल मेरे से भी चैट कर सकते हो रिगार्डिंग कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन, मतलब इस कहाँ इस बुक को ऑथर फॉलो किया जाए, ठीक है, अप्रोच क्या रखा जाए, किस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, किस चैप्टर को हमें लेके चलना पड़ेगा, तो इसके रिगार्डिंग स्टडी डाउट कोई क्वेश्चन डाउट होंगे तो वो शायद मुश्किल हो जाएगा, फॉर लॉ एंड ऑडिट आई कैन हैंडल, ठीक है। डेली मॉनिटरिंग एटलीस्ट ग्रुप के हिसाब से डेली मॉनिटरिंग होगा जिन स्टूडेंट्स को लगता है, हाँ देखो यहाँ पे डेली मॉनिटरिंग में एक चीज़ है कि आपको भी थोड़ा सा ना आपको बताना पड़ेगा, जैसे मान लो कि एरियाज आपने अपना ऑडिट स्टार्ट किया तो ठीक ऑडिट में इन इन एरिया कंप्लीट कर लिया तो एटलीस्ट मुझे भी एक बार अपडेट देते रहो, मेरे पास भी रहेगा, मैं भी आपको पर्सनल मॉनिटरिंग भी कर पाऊंगा, अदरवाइज ग्रुप में मैं मॉनिटर करते जाऊंगा थ्रू पोल एंड थ्रू डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। आफ्टर पेपर एक शॉर्ट डिस्कशन होगा रिगार्डिंग पोल की पेपर कैसा था क्या था एंड आगे का क्या अप्रोच रखना है, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 20-25 मिनट का शॉर्ट डिस्कशन दूंगा एंड जस्ट पेपर देख के आप आओगे उसके अगले दिन का प्लानर मैं विदिन 1 आवर आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप अपना पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, 1 घंटा रेस्ट लेके मान लो आप 5:30 बजे तक पहुँचते हो तो 7 o'clock से अपना हम उस तरीके से बनाएंगे कि 2-3 आवर्स करके उसको हम कंप्लीट कर लें। सर मोटिवेशन डोज चलते रहेगा बिकॉज लास्ट देखो अभी स्टार्टिंग प्रिपरेशन में मोटिवेशन डोज का थोड़ा कमी चाहिए बट लास्ट में मोटिवेशन डोज तो मिलना चाहिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रेडी रहो, मोटिवेशन डोज भर भर के आएगा जिससे आप रेडी हो जाओगे एंड आप वापस से कहते नहीं एक टफ पेपर या कैसे भी पेपर आने पर वापस से आप बैठ जाओगे कि नहीं यार इसको खत्म करना है, तो उस तरीके का आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं देते रहूँगा। सर जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ पे मैम से बात करके QR कोड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अदरवाइज आप एप्लीकेशन पे जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सर फीस क्या है एंड इसके 399 फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड बोथ ग्रुप 499 लिमिटेड सीट्स है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया 200-250 प्लस मेंटरशिप स्टूडेंट्स एंड ऑलरेडी 20-25 स्टूडेंट्स में रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप अपना जाके उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट सर देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं ना सर मेंटरशिप चाहिए, अब मैं इसमें ना कुछ मार्केट में मेंटरशिप क्या जैसे मेरे मेंटरशिप में होता क्या स्टार्टिंग से मैं उनको टारगेट्स देता हूँ, मैं 2 पेपर लेकर स्टार्ट करता हूँ कि ठीक है फॉर एफर्ट एंड ऑडिट एंड मैं उस पर डेली टारगेट्स एंड आज तक ऐसा नहीं है कि टारगेट मिस हुएंगे, मैं प्रॉपर टारगेट्स एंड अभी बैच सब बैच फिनिश पे ही आ चुके हैं, सब में फुल टेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे टेस्ट चल रहे हैं सब में, ठीक है, फिर मैं उसको टेस्ट में करता हूँ, मतलब आफ्टर 2 or 3 डेज मैंने टारगेट दिया तो उसको मैं टेस्ट में लेता हूँ, ठीक है, फिर टेस्ट का मैं रैंकिंग देता हूँ कि ठीक है अब मान लो 100 स्टूडेंट्स का रैंकिंग आया तो 100 स्टूडेंट आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो तो पता चलता है कि हाँ ठीक है हमें और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, एंड और जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं मैं उसमें बताते जाता हूँ, जो स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं उसको क्वेश्चन को हैंडल करता हूँ, अदरवाइज एक मेंटरशिप ग्रुप डिस्कशन हो रहा था जहाँ पे ऑलरेडी सब एक दूसरे को सपोर्ट करते ही करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का। बट कुछ स्टूडेंट होता है सर मेंटरशिप मुझे बस गाइडेंस चाहिए, सर गाइडेंस मतलब मैं ये बुक पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, ये चैप्टर छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा लास्ट 20-25 डेज में, बिकॉज टेस्ट तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, बिकॉज 20-25 डेज में आप 22-23 तारीख से अपना कहीं ना कहीं SFM फिनिश करके ऑडिट लॉ फिनिश करके आप अपना FR के प्रिपरेशन पे आओगे, जो बहुत पे स्टूडेंट्स हैं वो FR में तो शिफ्ट कर ही जाओगे, सिंगल बुक था 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, जो ग्रुप 2 है वो आई थिंक 10 दिन बाद SCMP पे आएंगे, ठीक है, तो टेस्ट थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ कुछ मैं एक चीज़ करूँगा जो मैंने इंपॉर्टेंट मतलब लॉ वाले कुछ नए नए क्वेश्चंस बनाए थे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे पुट करके दे दूंगा एंड मैं बता दूंगा कि ये इन एरियाज समझना है, लॉ में प्रेजेंटेशन क्या रखना है, SFM में प्रेजेंटेशन क्या रखना है, एक पूरा मिस्टेक का मैंने बनाया हुआ कि लोग जितने टेस्ट चले हैं यहाँ पे जो मैंने RTI बुलेट किया है उस बेसिस पे कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो जो इंटरेस्टेड है ठीक है इंटरेस्टेड है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप आओ आप ही यहाँ ज्वाइन करोगे तभी पास करोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है लगता है कि कुछ चाहिए लास्ट में एंड ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि नवंबर 22 में मैंने इसको टेलीग्राम पे स्टार्ट किया था, May 23 में मैंने WhatsApp पे स्टार्ट किया था जो लास्ट के बैच में था, बिकॉज उससे पहले मुझे रजिस्टर मेंटरशिप स्टूडेंट होता है उनके साथ डील करना पड़ता है, बट 2020 आफ्टर 20th of October हम एक ही बैच में आ जाएंगे, तो जिनको रजिस्टर कराना है वो ऑलरेडी जाके अभी रजिस्टर करा सकते हैं
एंड जो ऑलरेडी मेंटर्स और स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ नहीं कराना है, वो ऑलरेडी इस ग्रुप में आप ऐड रहोगे, हम ऑलरेडी आपके साथ चलने वाले हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। लास्ट वन मंथ बाकी है एंड इसमें से 5 days एफ आर हटा दो तो 25 दिन कुछ वैल्यू एडिशन करने का बाकी है, तो आप अपना वैल्यू एडिशन करो एंड आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी है तो आप आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।